नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ठाणे के मुंब्रा सिटी में सर से मिलने के लिए। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम है धीरज और मैं एक FMCG का कामकाज करता हूँ, जो मैं 2016 से लेकर अब तक उसी लाइन में हूँ और आगे भी इसी से चलना है। सर, FMCG यानी कि फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स के सेगमेंट में जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं, कितना साल हो गया सर आपको इस लाइन में? ये 10वां साल हो गया। 10वां साल, तो 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर को है इस लाइन में। एंड कमिंग ऑन टू द व्हीकल्स ही ओन्स, तो सर आपके पास पहले कौन सी गाड़ियाँ थी? मेरे पास में टाटा की दो गाड़ी है, जो एक तो छोटा आती जो दोनों है मेरे पास में, दोनों साथ यही है छोटा हाथी है, डीजल गाड़ी। तो डीजल फ्यूल पर चलने वाली टाटा एस, जिसे हम छोटा हाथी के नाम से भी जानते हैं, उनका फ्लीट सर ओन करते हैं। अब अपने वीडियो में देखा होगा कि सर जो है टाटा एस ईवी ओन करते हैं, तो सर ईवी लेके आपको कितना टाइम हुआ है? ईवी लेके आज तो दो चार छठा महीना हो रहा है। छठा महीना 6 महीने का जो है सर का टेस्टिमोनियल एक्सपीरियंस है। तो इन 6 महीनों में आपने क्या बदलाव देखा है, मतलब आपको ईवी पर जाना आपने क्यों प्रेफर किया? एक्चुअल में कैसा है कि मेरा जो रनिंग जो रूटिंग है वो 3 एरियों के अंदर है और तीनों का एरिया का जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। अच्छा। और ऑन एन एवरेज जो मेरा डीजल जो कंज्यूम होता है वो हफ्ते का जो है ना मंथली पकड़ लो तो 7 से 8 हज़ार मंथली बैठता है एक गाड़ी का। और उसी की उसको देखते हुए हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, कुछ ईवी का नया देखेंगे और कुछ नया अगर कंपनी बता रही है कि भाई हम जो है आपको हो सके उतना आपका जो है पैसा जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने वो चीज़ ली। तो आज मैं 6 महीने से चला रहा हूँ, तो मेरा मंथली जो है पहले मेरा जो लाइट बिल आता था वो 800-900 रुपये आता था। ओके। अभी एज वर्जन जो आ रहा है मेरा 1800-1900-2000 इसी के दायरे में घूम रहा है। आप चार्जिंग भी करते हो गाड़ी को? सब कुछ इसी में होता है मेरा, पूरा का पूरा गोडाउन का खर्चा भी उसी में है, लाइट का और गाड़ी का जो है वो चार्जिंग भी उसी में है, बाकी अदरवाइज कोई नहीं है। ये जो है काफी महत्वपूर्ण बात जो है सर ने कही है, तो इस पर आप गौर दीजिएगा। एंड चार्जिंग की बात निकली है, तो सर सिंगल चार्जिंग पे सरासर कितना किलोमीटर चल जाती है? हमने जो घुमाया है गाड़ी तो 100% पे 100% चलती है। विद लोड? हाँ, विद लोड। एंड अगर आपके ड्यूटी साइकिल के हिसाब से देखे तो कितने दिन चलती है सिंगल? 4 दिन मेरी चलती है, जिसमें 25 पॉइंट में मेरा जो है 25 किलोमीटर डायरेक्ट घूम के आ जाती है गाड़ी डेली बेसिस। ओके, 25 किलोमीटर का एवरेज रनिंग है सर का पर डे, एंड उसके हिसाब से देखे तो 4 से 5 दिन सर का गाड़ी जो है सिंगल चार्जिंग पे चल रहा है। एंड ये गाड़ी लेने के बाद क्या बदलाव आए हैं आपके बिजनेस में? इसमें सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे लगी वो है कि मेरा मंथली ऑन एन एवरेज 6 से 5 हज़ार जो है ना मंथली बच रहा है वो डीजल के बेस के अगर देखो। ओके। क्योंकि डीजल मेरा 7 हज़ार जाता था, यहाँ पे मेरा मंथली जो है वो लाइट बिल 1000 रुपये आ रहा है, 1000 से 1200 रुपये पकड़ रहा हूँ। तो मेरा वही है कि कंज्यूम जो है हो रहा है ना, तो वो थोड़ा मेरे लिए 5000 बेनिफिट हो रहा है। और इसमें जो है अभी तक तो मैंने कुछ सर्विसिंग करवाया नहीं, खाली एक बार सर्विस भेजा हूँ तो उसका कुछ चार्जेस लगा नहीं। लेकिन पहले जो गाड़ी चलाते थे हम लोग BS6, उसमें मंथली जो है ना नहीं करूँ तो भी 5000-7000 तो खाली उसका सर्विस ही मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा था। अच्छा। वो भी चीज़ है और बाकी तो बहुत कुछ है उसमें चेंजेस है। और ये गाड़ी सर आपने कहाँ से परचेज करी थी? ये शाओ मोटर से मैंने परचेज करी थी। तो शाओ मोटर्स यहाँ की एक डीलरशिप है मुंबई की, जहाँ से सर ने जो है गाड़ी परचेज करी थी। एंड ऑल इन ऑल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सर का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी खुश है सर इस गाड़ी से। एंड आइए अब हम आगे चलते हैं, मालिक जी से तो हमने बात कर ली, तो अब चलते हैं गाड़ी के चालक से बात करते हैं एंड उनका रिव्यू जान लेते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। तो गाड़ी के ओनर जी के साथ बात करने के बाद आइए अब गाड़ी के चालक से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि टाटा एस ईवी आपको चलाने में कैसी लगती है? बहुत बढ़िया है टाटा एस ईवी चलाने के लिए। ओके। और एकदम बेहतरीन है। इससे पहले सर आप कौन सा गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मैं बोलेरो पिकअप चलाता था। अच्छा, बोलेरो पिकअप चलाते थे। तो डीजल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको क्या डिफरेंस लगता है? डीजल से अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल लगा मुझे ना, इसमें गियर चेंज करने का कुछ टेंशन है और बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब अपलोड हुई है अभी। ओके। ओवरटेक भी एकदम आसानी से होता है, तो अगर लोड रहेगा गाड़ी में गाड़ी भी एकदम आसानी से चलती है और गाड़ी एकदम स्मूथली चलती है। ओके। और इसको चलाने में आपने जैसे कहा कि आपको स्मूथनेस जो है एक्सपीरियंस होता है, तो क्या आप दूसरे लोगों को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका दिन का रनिंग लिमिटेड है तो क्या आप दूसरे लोगों को ईवी व्हीकल जो है सजेस्ट करेंगे? यस यस, सजेस्ट करूंगा।